नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी फिट और हेल्दी होंगे। साथियों, बीते एक दशक में दुनिया भर में कई बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। ये बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अगर कैंसर खून में हो जाता है तो इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर के मामले बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बीते एक दशक में ब्लड कैंसर के मामलों में 20% का इजाफा हुआ है। साथियों, ब्लड कैंसर के कई कारण हैं। इनमें खून में सेल्स का तेजी से बढ़ना, बढ़ती उम्र, EBV वायरस और बेंजीन के संपर्क प्रमुख हैं। ब्लड कैंसर कई प्रकार का होता है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा और माइलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म ब्लड कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं। साथियों, हम ब्लड कैंसर के लक्षण बताते हैं। अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है, ज़्यादा ठंड लगती है, लगातार थकान होती है, कमजोरी रहती है, रात में पसीना आता है, पेट में दर्द रहता है, लगातार सिर में दर्द बना रहता है और सांस लेने में परेशानी होती है, तो ये सभी लक्षण ब्लड कैंसर के हैं। अगर आपको अपने शरीर में ये सभी लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि आपको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, अब हम आपको ल्यूकेमिया का इलाज बताते हैं। भारत में हर साल 2,500 से लेकर 3,000 BMT किए जाते हैं। BMT की संख्या बढ़ी है, लेकिन आज भी भारत में केवल 10% आबादी ही ब्लड से संबंधित बीमारियों के लक्षणों और इलाज के बारे में जागरूक है। ब्लड डिसऑर्डर कैंसर के सबसे घातक रूपों में से एक है, जो जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ऐसे भी लोगों के बीच की जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इन बीमारियों को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। साथ ही अब जरा ये भी जान लीजिए कि BMT कैसे होता है। BMT से कई तरह की परेशानियों को ठीक किया जाता है। इससे पहले ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ठीक होते हैं। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर न्यू भी BMT का उपयोग होता है। जिस मरीजों को BMT की जरूरत होती है उनमें 6 महीने की उम्र से हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने वाले रोगी होते हैं। इसके अलावा एनीमिया के मरीज, थकान, लगातार बुखार या शरीर पर रक्तस्राव के धब्बे की परेशानी से जूझ रहे लोग भी BMT से इलाज करा सकते हैं। साथियों, आज के समय में कैंसर बहुत तेजी के साथ पनप रहा है। पुरुषों में भी कई तरह के कैंसर फैल रहे हैं, जबकि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अपनी सेहत के लिहाज से खुद को हेल्दी और फिट रखना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें और स्वस्थ रहें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।